फ्रेंड्स एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से दो पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में आए थे। यूपी पुलिस और प्रयागराज एसटीएफ ने लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र से दोनों पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों पीएफआई सदस्यों के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि हाथरस केस में पीएफआई पर दंगा भड़काने के कई आरोप लग चुके हैं। इस मामले में पीएफआई राव शरीफ को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुकी है, इनफैक्ट चल रही है। शरीफ को 12 दिसंबर 2020 को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से। जेल से जमानत पर रिहा होती एसटीएफ ने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। उसे केरल के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। इससे पहले हाथरस दंगों की साजिश में पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें सिद्दीक कप्पन, अतिकुर रहमान, मसूद अहमद और मोहम्मद आलम शामिल है। मथुरा पुलिस ने सभी चारों को एक कार से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वे गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के बहाने हाथरस जा रहे थे। उनके पास से आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद हुआ था। इस मामले की जांच ईडी कर रही है, लेकिन अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि लखनऊ में पीएफआई के दो सदस्य विस्फोटक सामान के साथ गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी, ये खबर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि दोनों लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। पूरी डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आएगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।